हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन हमारा कंटिन्यू है ना। उसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर दिया था। एक्सरसाइज 11.2 हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। ठीक है, अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जेड है 90 डिग्री का एंड एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तीनों साइड का टोटल दिया, तीनों साइड का आप एडिशन करोगे तब वो 11 सेंटीमीटर की होगी। और दो एंगल का मेजरमेंट दिया है कि एंगल वाई 30 डिग्री का और एंगल जेड 90 डिग्री का। तो याद रखो कि हमें यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करना है उसमें हमें ऊपर जगह चाहिए होगी, और आप अगर छोटी वाली बुक यूज कर रहे हो तो उसमें ऐसे पेज में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मत करना, उसे ऐसे रख के कंस्ट्रक्ट करना क्योंकि बड़ा होगा। ठीक है, आपकी बुक को ऐसे आप रख के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना ऐसे रख आधार। ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा थोड़ा, नीचे जगह की जरूरत नहीं होगी, तो आप ऐसे यहाँ पे लाइन में मत बनाना, थोड़ा बीच में बनाना ऐसे, यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो अब हमें तीनों साइड का टोटल पहले तो कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, तीनों साइड का टोटल दिया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले 11 सेंटीमीटर का एक क्या बनाएंगे, लाइन सेगमेंट। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि बहुत सारी आर्क साइड है, तो मैं जो बोल रही हूँ मेरे साथ साथ करते जाए। ठीक है, मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे साथ साथ करते जाओ। ठीक है, तो पहले एक 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, उसे नाम दो PQ। अभी आपको एक्स वाई जेड में से कोई भी नाम नहीं देना है क्योंकि हमें अभी ट्रायंगल मिला नहीं, ट्रायंगल का कोई भी वर्टेक्स हमें अभी नहीं मिला। ठीक है, हमें सिर्फ तीनों साइड का टोटल दिया था 11, तो पहले हमने 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, उसे दे दो नाम PQ। आपको बुक में बोला है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के अलावा कुछ भी दे सकते हो, आपको अगर ए भी देना है तो भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड के अलावा कुछ भी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट PQ बनाया सबने 11 सेंटीमीटर का, थोड़ा टेढ़ा है मैं सीधा कर दे रही हूँ, लाइन सेगमेंट PQ 11 सेंटीमीटर का। बना लिया सबने, अब मैं जो बोल रही हूँ मेरे साथ साथ करते जाना। ठीक है, आपको बोला है कि एंगल वाई 30 डिग्री, देखो आपको दो एंगल दिए, एंगल वाई 30 डिग्री का और एंगल जेड 90 डिग्री का, तो आपको जो मेजरमेंट दिया है ना उसका हाफ बनाओ। आपको एंगल वाई कितना दिया है 30, तो 30 का हाफ मतलब आप पहले बनाओगे 15 डिग्री का। ठीक है, जो भी आपको दिया है उससे हाफ बनाना है, आपको वाई दिया है 30 का तो आपको बनाना है 15 डिग्री, बनाना है 15, और 15 कैसे बनेगा, 60 का हाफ 30 और 30 का हाफ 15। ठीक है, तो पहले राउंडर में कोई भी छोटी सी मेजरमेंट लो, राउंडर में कोई भी छोटी सी मेजरमेंट लो, ली सबने, टी को सेंटर रखो, टी को सेंटर रखो, ऐसे एक आर्क लगा दो, टी को सेंटर रख के ऐसे एक आर्क लगा दो, बताइए सबने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, राउंडर में मेजरमेंट चेंज मत करना। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, अब उसे सेंटर रखो, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर रखो और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगा दो, यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगा दो, लगाइए सबने। ठीक है, अब उसे ही सेंटर रखो, आपने इसे सेंटर रखा था ना, किमिक का सेंटर, उसे उसे ही सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पे लगाओ, लगाई, फिर इसे सेंटर रखो, ये वाले पॉइंट को, मेरा हाथ जहां पर उंगली जहां पे है वो देखो, मेरा अंगूठा जहां पे है, ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर रखो, रखा सबने, ऐसे फिर से एक आर्क लगाओ, लगाई सबने। ठीक है, उसे पी के साथ रोटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, छोटा सा ऐसे बनाना, बहुत लंबा मत खींचना, ऐसे छोटा सा बनाना। ठीक है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना, उसे पी के साथ रोटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करो,
किया सबने डोटेड लाइन से जॉइन, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे सेंटर रखो नीचे, फिर से यहाँ पे सेंटर रखो, एक हाथ यहाँ पे लगाओ, फिर से यहाँ पे सेंटर रखो, एक हाथ यहाँ पे लगाओ, फिर इसे डोटेड लाइन और बड़ी वाली आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, डोटेड लाइन और बड़ी वाली आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे सेंटर रखो, रखा सबने, उसे सेंटर रखो और एक हाथ यहाँ पे ऐसे लगाओ, लगाया सबने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दोनों आर्क का, उसे पी के साथ, उसे पी के साथ डार्क लाइन से जॉइन करके ऐसे आगे ले जाओ, उसे पी के साथ डार्क लाइन से जॉइन करके आगे ऊपर बड़ा सा खींचो, ये डॉटेड लाइन नहीं है, हाँ डार्क लाइन है, स्ट्रेट लाइन बना दिया सबने। ये एंगल मिल गया हमें 15 डिग्री का, ये एंगल मिल गया हमें 15 डिग्री का, ठीक है। अब एंगल जेड कितना बोला था, 90 डिग्री का, तो पहले 90 का हाफ 45 बनाना है, हमें y बोला था 30 का, तो हमने 30 का हाफ बनाया 15, अब z बोला है 45 डिग्री का, तो 90 डिग्री का, सॉरी, तो 90 का हाफ बनाएंगे पहले 45, तो 45 कैसे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, वो 45 हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले चलो राउंडर में कोई भी छोटा सा मेजरमेंट ले लो, ये लिया सबने, क्यू को सेंटर रख के ए से एक आर्क लगा दो, राउंडर में छोटा सा मेजरमेंट ले लो, क्यू को सेंटर रख के ऐसे एक आर्क लगा दो, लगाया सबने क्यू को सेंटर रख के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला, ठीक है, उसे सेंटर रखो, चलो सब इसे सेंटर रखो और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाओ, मेरी उंगली जहाँ पे है उसे सेंटर रखो और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाओ, लगाई सबने, ठीक है। फिर इस वाली यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर रखो, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर रखो, रखा सबने, और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाओ, लगा दी सबने, मिल गई दोनों आर्क, ठीक है। अब फिर से इसे ही सेंटर रखो, फिर से इसे ही सेंटर रखो, रखा, ऊपर एक आर्क लगाओ, ऊपर एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगाओ, लगा ये सबने, ठीक है। अब इसे सेंटर रखो, ये वाले पॉइंट मेरी उंगली जहां पे पड़ रही है वो ध्यान से देखो, अब इस वाले पॉइंट को सेंटर रखो, रखा सबने, और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगा लो, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, हो रही है, ठीक है। उसे क्यू के साथ ज्वाइन करो, यस, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्यू के साथ ज्वाइन कर दो, सॉरी डोटेड लाइन से ज्वाइन करना है, हाँ डार्क लाइन से नहीं, डोटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, क्योंकि हमें 45 चाहिए, 90 भी चाहिए, उसे ऐसे छोटे वाले डोटेड लाइन से, छोटे और लंबा मत खींचना, उसे ऐसे छोटे वाले डोटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, कर दिया सबने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को सेंटर रखो, फिर से मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को सेंटर रखो, सॉरी नहीं नहीं उसे सेंटर नहीं रखना है, सॉरी हमें इसका हाफ बनाना है, तो इस वाले पॉइंट को सेंटर रखो, चलो इस वाले पॉइंट को सब सेंटर रखो, रखा सबने, और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाओ, यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाओ, लगाइए सबने, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को सेंटर रखो, बड़ा वाला आर्क और डोटेड लाइन, बड़ा वाला आर्क और डोटेड लाइन उसको सेंटर रखो, रखा सबने, और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाओ, पहले इसको सेंटर रखो, एक आर्क लगाओ, फिर ये बड़ा वाला आर्क और डोटेड लाइन का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे सेंटर रख के एक आर्क लगाओ, अब जो मिला उसे डार्क लाइन से क्यू के साथ ज्वाइन कर दो, ऐसे उसे क्यू के साथ एक डार्क लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट, हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड चाहिए था, तो ये हमें मिल गया पॉइंट एक्स, एक पॉइंट मिल गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड का, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। यहाँ
एक्स, वो क्या है पॉइंट एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से एक बार एक के बाद एक हम करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला पी एक्स है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये पी एक्स, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब कि पी एक्स के हाफ से ज्यादा का मेजरमेंट, पी एक्स के हाफ से ज्यादा का राउंडर में मेजरमेंट जो बड़ा आएगा। देखो ये पी, ये वाला पी और यहाँ पे एक्स, तो ये पी एक्स के हाफ से ज्यादा हो उसका उतना राउंडर में मेजरमेंट हो। लिया सबने, पी एक्स के हाफ से ज्यादा हो उतना। ठीक है, आप पी एक्स से थोड़ा सा कम लोगे तो चलेगा, वो हाफ से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लिया सबने। अब पी को सेंटर रखो, पी को सेंटर रखो, एक हाथ ऐसे ऊपर लगाओ, एक हाथ ऐसे नीचे लगाओ, बताइए सबने। ठीक है, पी को सेंटर रख के एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। अब एक्स को सेंटर रखो, एक्स को सेंटर रखो, ये वाला एक्स को सेंटर रखो, एक आर यहाँ पे बने ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब एक्स को सेंटर रखा, एक्स को सेंटर रख के एक आर यहाँ पे लगाओ, एक्स को सेंटर रखा सबने, एक आर आप यहाँ पे लगाओ और एक आर आप यहाँ पे लगाई। एक बार पी को सेंटर रख के ऊपर नीचे आ, एक बार एक्स को सेंटर रख के ऊपर नीचे आ, लगाई। दोनों को डॉटेड लाइन से, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, कर दिया सबने। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी एक्स, मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जो टच हो रहा है, यहाँ पे जो टच हो रहा है दैट इज पॉइंट वाई, वाई था ना 30 डिग्री का एंगल, वाई था 30 डिग्री का, वही है, हाँ एंगल वाई ही था 30 डिग्री का। ठीक है, ये मिल गया आपको वाई। ठीक है, अब आपको ये क्यू एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये वाली जो आंख है ना उसे ऐसे छोटी छोटी कर दो, अगर बड़ी बड़ी है तो छोटी छोटी कर दो, सिर्फ पूरे पूरे इरेज नहीं करनी है, छोटी छोटी रखनी है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े बाहर निकल रहे हैं उसे आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट वाई, ठीक है आप ज्वाइन कर दो एक्स और वाई को, अगर करना है करना ही है एक्स और वाई को ज्वाइन कर दो। किया, अब आपको ये एक्स और क्यू, ये क्यू एक्स, ये वाली जो लाइन है क्यू एक्स, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो क्यू एक्स के हाफ से ज्यादा, क्यू एक्स कितना ले लो चलो मेजर, क्यू एक्स के हाफ से ज्यादा मतलब कि क्यू एक्स जितना चलेगा, क्यू एक्स के हाफ से ज्यादा मतलब क्यू एक्स जितना चलेगा। लिया मेजरमेंट राउंडर में, राउंडर में ये क्यू और एक्स जितना मेजरमेंट है, लगाकर को यहाँ पे रख के क्यू एक्स जितना मेजरमेंट है, ये पुरानी जो बड़ी बड़ी आर्ट है उसे छोटी छोटी कर दो चलेगा, पुरानी जो बड़ी बड़ी आर्ट से उसे रख, पूरे पूरा इरेज नहीं करना है, छोटी छोटी रखनी है। ठीक है, आपने क्यू एक्स के हाफ से ज्यादा का मेजरमेंट किया, एक
कर दो, आप दोनों को दो तीन लाइन से ज्वाइन कर दो। परपेंडिकुलर
bisector of PX, ये वाला बनाया था PX का परपेंडिकुलर bisector, जो PQ को कहां पे टच कर रहा था, Y, ठीक है, draw a perpendicular bisector of PX which intersect PQ at Y. फिर हमने क्या किया था, QX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, ये वाला डॉटेड लाइन, ठीक है, QX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया था, जो ये हॉरिजॉन्टल PQ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था, Z पे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 क्या आएगा, दो परपेंडिकुलर bisector O किसका था, QX का, perpendicular bisector of QX which intersect PQ वाले को कहां पे intersect किया था, Z, which intersect PQ at Z, PQ को कहां पे intersect किया था, Z दिया था, ठीक है, ये पॉइंट एक्स मिल गया, ये पॉइंट वाई मिल गया, ये पॉइंट जेड मिल गया, तीनों को ज्वाइन करने क्या शुरू किया था, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे खत्म हुआ, पॉइंट 6 में यहाँ पे लिख लिया, पॉइंट 6 में यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या किया था हमने, एक्स वाई और एक्स जेड को ज्वाइन किया था, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड किया था, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड मिल गया, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, प्लस 7 पॉइंट, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। इसको सारे पॉइंट्स ड्रॉइंग कर दिए, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 आपको लाइन में लिखना है नीचे अच्छे से, ये पॉइंट 6 एंड 7, ठीक है, ये 7 स्टेप से कंस्ट्रक्शन के, लिख लो सब, हो गया सबका, ठीक है, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो हमें रिक्वायर्ड, ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।